हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीएसआईआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो सीएसआईआर ने 8 जून को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें उसने बताया है कि जो फेलोशिप्स रिलेटेड जो डिस्पर्समेंट है, यानी जो फेलोशिप सबको टाइम पे नहीं मिल रही है, तो उसके क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आप क्या करिए, अगर आपको बेल आइकन आप प्रेस करते हैं, तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे CSIR, तो एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें आपको जाना है सेकंड वाले वेबसाइट पे, CSIR HRDG.res.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो सबसे पहले न्यूज़ में दे रखा है, डिस्पेंसेशन ऑफ पेंडिंग फेलोशिप CSIR फेलो इन व्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो इन्होंने बताया कि COVID-19 की वजह से जो फेलोशिप, बहुत ही बच्चे हैं जिनका अभी फेलोशिप टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसके क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक तो एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें आपका जो पूरा PDF है वो शो होने लगे हैं। तो इसमें देखिए कि फाइल नंबर दे रखा है 1/US/EMR-1/2020। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है CSIR ने, ये किया है 8 जून 2020 को। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, डिस्पेंसेशन ऑफ पेंडिंग फेलोशिप ऑफ CSIR फेलोज इन व्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। क्योंकि ये जो COVID-19 की वजह से जो फेलोशिप का डिसबर्समेंट है वो टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या बताया है इन्होंने कि द नेशन इज अंडर कोविड लॉकडाउन सिंस 21 मार्च 2020। ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री हैव बीन क्लोज्ड सिंस द लॉकडाउन वॉज इम्पोज ऑन रिजल्ट इन नाइदर द फेलोज वर एबल टू अटेंड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग लॉकडाउन फॉर रिसर्च वर्क, नॉर द होस्ट इंस्टीट्यूट आर एबल इवन टू सेंड देयर रिक्वेस्टेड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑब्लिक फेलोशिप्स क्लेम CTC टू CSIR HRDG, इंसुइंग डिसरप्टिंग पेमेंट ऑफ फेलोशिप एकेडमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू फेलोज एट CSIR HRDG, या लार्ज नंबर ऑफ क्लेम्स आर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू द लॉकडाउन। तो इन्होंने क्या बताया है कि COVID-19 वजह से क्या है कि बहुत सी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पूरे कंट्री में क्लोज हैं, जो कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 21 मार्च 2020 से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, जो PhD वाले हैं, वो अपना रिसर्च वर्क नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिन सिस्टम या जो फेलोशिप डिस सिस्टम है, या फेलोशिप जो प्रोवाइड करता है, जो क्लेम बिल सेंड करते हैं, वो भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने बच्चों के जो क्लेम्स बिल्स हैं वो CSIR को टाइम पे नहीं सेंड कर पा रहे थे, क्योंकि ऑल द यूनिवर्सिटी आर वॉज क्लोज्ड। तो इन्होंने बताया कि अब क्या है, अब CSIR के बाद बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्लेम बिल्स एकुमलेट हो गए हैं, जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू सेंड द मनी ऑन अ राइट टाइम। ओके, तो इसके साथ इन्होंने क्या बताया, इन एडिशन टू द एबव CSIR HRDG वुड ऑल्सो लाइक ऑल द बेनिफिशरी और होस्ट इंस्टीट्यूट टू टेक मोर नोट ऑफ सम कॉमन रीजन फॉर डिले इन फेलोशिप पेमेंट विच नीड टू बी अवॉइडेड। अब इन्होंने ये भी बताया कि कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं कि जिसकी वजह से जो आपकी फेलोशिप है वो भी टाइम टू टाइम आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इसमें तो नंबर फर्स्ट अगर देखें तो नॉन रिसिप्ट ऑफ फेलोशिप क्लेम बिल बाई 5th of every month। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप अपने क्लेम बिल्स हर महीने की 5 तारीख से पहले सेंड करिए। अगर आप 5 तारीख के से पहले सेंड करेंगे, तो आपका बिल जो है वो टाइम टू टाइम प्रोसेस होगा। अगर उसके बाद सेंड करेंगे, तो आपकी जो फेलोशिप पेमेंट है वो डिले हो सकती है। दूसरा, इन्होंने बोला है क्लेम बिल्स डू नॉट इंक्लूड ऑल क्लेमेंट्स एट वन गो। मतलब आप मंथली जो अपना क्लेम बिल है वो सेंड करिए, ये नहीं कि आपने 4-5 महीने का एक ही साथ जो है क्लेम बिल वो सेंड कर दिया है। नेक्स्ट, क्लेम बिल्स नॉट सेंट एवरी मंथ बट सेंट फॉर मल्टीपल मंथ टुगेदर। यानी कि आप अगर हर महीने जो है क्लेम बिल सेंड नहीं कर रहे हैं, और आपने पिछले 3-4 महीने का एक ही साथ क्लेम बिल सेंड किया है, तब भी जो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो फेलोशिप है वो डिले हो जाए। नेक्स्ट, क्लेम बिल नॉट सेंड बाई ईमेल बट बाई पोस्ट ओनली। तो CSIR कहती है कि अगर आप अपना जो क्लेम बिल है उसे आप
बाय ईमेल भी सेंड करिए और बाय पोस्ट भी करिए। अगर आपने अगर सपोज ईमेल से सेंड कर दिया लेकिन पोस्ट से नहीं सेंड किया, तब भी आपका जो क्लेम बिल है वो प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप क्लेम बिल सेंड करें तो बाय पोस्ट भी करें और बाय ईमेल भी करें। नेक्स्ट, अकाउंट नंबर और IFSC कोड आर नॉट वेरीफाइड इन द क्लेम बिल। अगर आपका जो IFSC कोड है या अकाउंट नंबर अगर वो सही नहीं है या वो वेरीफाई नहीं किया गया है क्लेम बिल में, तब भी आपकी जो फेलोशिप है वो डिले हो सकती है। नेक्स्ट, 3-member कमिटी रिपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एक्सटेंशन केसेस, एक्सेप्टेंस लेटर फॉर चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट गाइड, इंटीमेशन अबाउट लीव, मेटर्निटी लीव केसेस आर ऑफन डिलेड विद विच अनफॉर्चुनेटली डिलेड फेलोशिप रिलीज। इसके बाद बताया गया कि अगर आप SRF में अपग्रेडेशन कराते हैं तो आपको अगर 3-member रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपकी अगर 2-year का एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आप टाइम पे नहीं सेंड करते हैं, तब भी आपका जो फेलोशिप है वो डिले हो सकती है। यानी अगर आप एक्सटेंशन करा रहे हैं JRF to SRF में, अगर उसमें भी आप डिले करते हैं, हालांकि जो CSIR है वो आपको 6 month का ड्यू डेट देती है कि आपको विद इन 6 month अपना जो रिपोर्ट है वो सेंड करना है। अगर आप उसमें भी सेंड नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, तो आपका जो फेलोशिप है वो डिले हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद इन्होंने बोला है कि इन ऑर्डर टू हैव ऑल दीज इशू एड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल बेनिफिशरीज एंड एज एन इमीडिएट सॉल्यूशन टुवर्ड्स रिलीज ऑफ पेंडिंग फेलोशिप, ऑल द होस्ट कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड CSIR फेलोज आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली देयर ऑल पेंडिंग बिल्स एज CSIR HRDG सेंट्रलाइज गिवेंस रजिस्टर पोर्टल ओनली टू इनेबल CSIR HRDG टू इंश्योर स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ द सेम। द लिंक ऑफ दिस पोर्टल इज अवेलेबल। ओके, तो इन्होंने बताया कि जितने भी होस्ट, जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और जितने भी अगर CSIR फेलोज हैं, वो क्या करें, अपने जो पेंडिंग बिल्स हैं वो CSIR की एक ग्रेवेंस रजिस्टर पोर्टल इन्होंने ओपन किया है, तो उस पर आप सेंड कर सकते हैं या उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब जब उस पर आप अपलोड करेंगे तो उनके पास डायरेक्टली जो है वो आपका जो क्लेम बिल है वो पहुँच जाएगा और वो आपके क्लेम बिल को जितना जल्दी हो सकेगा वो प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इसका एक वेबसाइट दे रखा है, http://hrdg.csir.rs.in। तो इस पर आपको अपने जो क्लेम बिल्स है वो अपलोड करिए। आप अपने एडमिन सेक्शन से भी बोल सकते हैं, फेलोशिप सेक्शन से बोल सकते हैं कि आपके बिल्स जो हैं वो डायरेक्टली अपलोड कर दें। इसके साथ ही साथ आप अगर आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाए आपकी क्लेम बिल्स की, तो आप खुद ही जो अपना क्लेम बिल है वो इस वेबसाइट पर जाके अकाउंट क्रिएट करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, द रिलीज ऑफ पेंडिंग फेलोशिप हैज बीन टेकन अप आवर फुटिंग आफ्टर द लॉकडाउन, CSIR HRDG नीड्स योर कोऑपरेशन सपोर्ट एंड ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेंड देयर अनपेड फेलोशिप बिल्स एट ग्रेवेंस रिड्यूसर पोर्टल विच विल बी मॉनिटर डेली विद एक्नॉलेजमेंट। वी एक्सपेक्ट टू अचीव 90% ऑफ फेलोशिप पेमेंट बिफोर दिस मंथ एंड देन प्रोसीड फर्दर टू मेक इट अप टू डेट। तो इन्होंने बोला कि आप अपने जो क्लेम बिल्स हैं वो आप सेंड करिए बाय ईमेल, इस ग्रेवेंस रजिस्टर पोर्टल पे आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका जो क्लेम बिल आप सेंड करेंगे वो डेली वो मॉनिटर करेंगे और आपका जो फेलोशिप है उसे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि 90% जो फेलोशिप पेमेंट है वो इस मंथ के एंड तक वो प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मली जैसे फेलोशिप आती है टाइम टू टाइम, वैसे ही वो कोशिश करेंगे कि आपके जो फेलोशिप है वो टाइम टू टाइम आए। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था CSIR की तरफ से। अब हम देख लेते हैं उस स्पेशल पोर्टल की तरफ, तो इन्होंने पोर्टल जो है वो क्रिएट किया। तो ये क्या है, ये आपको इजीली CSIR की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए इस पर आपको दे रखा है CSIR नेट ग्रेवेंस। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन होगा जिसमें लिखा होगा वेलकम टू CSIR HRDG हेल्प डेस्क ग्रेवेंस रजिस्टर पोर्टल। तो इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक टू कंटिन्यू पे, उसके बाद ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने साइन अप अभी तक नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक किए तो साइन अप करके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चूज़ करिए, दो ऑप्शन दे रखा है, CSIR नेट फेलो है, एम्प्लॉय। अगर आप नेट फेलो हैं तो आप क्लिक करिए नेट फेलो पे, उसके बाद क्लिक किए तो साइन अप। ठीक है, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालिए, योर आइडेंटिटी रिलेशन विद CSIR, योर रोल नंबर, एग्जाम सेशन, कुछ डिटेल्स आपको सेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ईमेल आईडी डालेंगे और आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो ये पोर्टल है वो खुल जाएगा। देखिए, ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो है वो अपना साइन अप कर रखा है, तो इस पर आप अपने जो बिल्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। जो आपके क्लेम बिल्स अभी तक कि जिस मंथ की आपकी फेलोशिप नहीं आई है, तो आप उस मंथ का जो है क्लेम बिल अपलोड कर सकते हैं। जहाँ आपको जस्ट सिंपल अपलोड पेंडिंग बिल्स में जाना है,
यहाँ पे आपको आपका जो ग्रेवेंस फाइल नंबर आपका आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके जो क्लेम बिल्स है उसे डायरेक्टली आप यहाँ चूज फाइल करके आप ईजिली जो है उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, और उसके बाद आप सीधे सबमिट करिए तो आपका जो क्लेम बिल है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है सीएसआईआर के लोग पर डे से मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो बिल है वो इजीली प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था रिलेटेड टू फेलोशिप डिस्पर्समेंट में कि आपकी फेलोशिप क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो यहीं पे जो मेरा वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।